गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हमने इंग्लिश ग्रामर के अंदर टॉपिक शुरू किया हुआ है टेंस, उसका हम आज नौवां पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी कि फ्यूचर टेंस का यह पहला पार्ट, इसको हम कह सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले जो इसकी पहचान, यानी कि कोई भी टेंस है, हम उसकी पहचान सबसे पहले करेंगे कि ताकि हमें पता लगे कि जो ये हम वाक्य है ये किस टेंस के हैं। तो इसकी पहचान सिंपल है, जब कोई भी मुख्य वर्ब होती है हिंदी के, जब हम वाक्य बोलते हैं उस मुख्य वर्ब के पीछे गा, गे या गी का उच्चारण होता है। जैसे वह स्कूल जाएगा, ठीक है, हम कल पाठ पढ़ेंगे। इस प्रकार जो मुख्य वर्ब है, जैसे जाना है, जाऊंगा या जाएंगी, या पढ़ना या पढ़ूंगा या पढ़ेंगी, तो इस प्रकार जो मुख्य वर्ब है उसके पीछे गा, गे या गी, ये इसकी पहचान है, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसा हमने पिछले टेंसों में किया है, प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है, हर टेंस के अंदर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इस वाक्य यानी इस टेंस के अंदर भी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मुख्य दो वर्ब है। कौन कौन सी है? पहला है सेल और दूसरा है विल। क्लियर? सेल जो है हम आई और वी के साथ इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, आई और वी के साथ। जो हमारा विल है वो जैसे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, उनके अंदर हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं, वो आपको सारा क्लियर है। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसकी जो मुख्य वर्ब है, यानी कि मुख्य वर्ब क्या लगती है आपको। कहीं भी सेल या विल अगर वाक्य में दिखता है तो उसके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो मेन वर्ब है वह है वर्ब की पहली फॉर्म। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो टेंस बनाने का जो फॉर्मेट है वो क्या है, सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उनके अंदर सबसे पहले कोई भी आप सेंटेंस बनाए सिंपल, उसके अंदर सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? सब्जेक्ट। तो इसके अंदर भी सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट। उसके बाद सेल और विल में से एक हम लगाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। और सेल और विल के बाद, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो अन्य शब्द हमारे बच जाते हैं, ऑब्जेक्ट है या कुछ हो रहा है, तो उसके बाद हम उसका जिक्र करते हैं। क्लियर इतना? गुड। हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, या मैं अखबार पढ़ूंगा, मैं अखबार पढ़ूंगा। तो अब हमने देखा इसकी पहचान के जो मुख्य वर्ब है जाना, इसके पीछे आया है गे, और पढ़ूंगा इसके पीछे क्या आया है? गा। तो हमें पता लग रहा है कि यह फ्यूचर टेंस के वाक्य है, ठीक है, और सिंपल सेंटेंस है, इनके पीछे पूर्ण विराम लगा है। तो हम इसके जो नियम है क्या बना रहे हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम इसका बनाते हैं, पहले हम कल दिल्ली जाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट हम, वी, और वी के साथ क्या लगेगा? सेल का हम प्रयोग करेंगे, वी सेल, और सेल या विल के बाद क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी सेल गो, कहां जाएंगे? दिल्ली। वी सेल गो टू दिल्ली, और कल यानी कि आने वाला कल, आने वाला कल मींस टुमारो, और उसके बाद फुल स्टॉप हम लगा देंगे, वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। मैं अखबार पढ़ूंगा, आई शैल रीड द न्यूज़पेपर। क्लियर है? तो जितने भी हम वाक्य बनाएंगे, तो सबसे पहले लेते हैं हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मुख्य वर्ब यानी कि फर्स्ट लेंगे वो, और उसके बाद अदर वर्ड्स जितने बचते हैं उनका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। कुछ एक नियम है इसके अंदर, वाक्य के अंदर, कि यदि इस टेंस का प्रयोग इच्छा यानी कि दृढ़ इच्छा, संकल्प, डिटर्मिनेशन, चेतावनी यानी कि थ्रेट, या
कोई इरादा है हमारा, उसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी सेल और विल, वो दोनों चेंज हो जाती है। यानी कि जिन के साथ, जिन पर्सन के साथ हम सेल लगाते हैं उनके साथ विल लग जाएगा, और जिनके साथ विल लगाते हैं उनके साथ सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं यहाँ पे, जैसे आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन। अब इस वाक्य के अंदर देखिए, आई के साथ हमने किस चीज का प्रयोग किया है, विल का, कि मैं इसे बार बार करता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा, तो ये हमारी इच्छा है। तो इसके अंदर हम आई के साथ सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे हम किसी को बोल देते हैं कि आप वहां पर ना जाइए, वहां पर कुछ खतरा होगा, तो उस प्रकार हम जब आई के साथ या यू के साथ जब हम सेल का प्रयोग करते हैं, सॉरी यू के साथ जब हम विल का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर यू के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। यानी कि आई के साथ और वी के साथ सेल आता है, वहां पर विल का प्रयोग कर देंगे। जो अदर हमारे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है वहां पर विल लगाते हैं, तो उनके साथ हम सेल का प्रयोग कर देंगे। तो ये है हमारा सेल और विल का चेंज, क्लियर है। एक बार और देख ले, एक वाक्य और देख लेते हैं हम। जैसे आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। अब आई के साथ यहां पे क्या लगना चाहिए था, सेल, बट लिखा क्या है, विल। क्यों? क्योंकि मैं वहां पक्का जाऊंगा, तो जो इरादा बना लिया है तो हम इसके अंदर आई के साथ सेल न लगाकर आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम इसका नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। वो क्या करना है, सब्जेक्ट यानी कि फिर हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट का प्रयोग करना है, बाकी जो हमारा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर सेल या विल में से एक, फिर नोट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड्स। ये सब नेगेटिव का नियम है। जैसे हम वाक्य लेते हैं, मैं नहीं सोऊंगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, आई, आई के साथ हम किसी का प्रयोग करते हैं, सेल का, आई सेल नॉट स्लीप, और उसके बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। यानी कि सिर्फ हमें सेल और विल के बाद नॉट का प्रयोग करना, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर भी हम अगर लेके चले हमारा सिंपल का जो हमने फॉर्मेट बनाया था, कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और पहली फॉर्म, और उसके बाद अन्य वर्ड्स, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही आगे ले आएंगे सेल और विल में से, उसको हम सब में लिखेंगे और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम बन जाता है, पहले सेल और विल में से एक, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड्स का हम प्रयोग करेंगे, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, क्या हम अंग्रेजी सीखेंगे, तो इसका हम क्या बनाएंगे, शुरू में देखो क्या शुरू में आया है, और अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यह हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि हम अंग्रेजी सीखेंगे। इसका जैसे अगर हम इसको सिंपल वे से लें कि हम अंग्रेजी सीखेंगे, तो क्या बनता है, वी सेल लर्न इंग्लिश, और इसके अंदर क्या हम, तो सेल या विल को हम आगे ले आते हैं और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, सेल वी लर्न इंग्लिश, और अंत में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम कंप्लीट। उसके बाद जो हमारा नियम है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक भी और प्रश्नवाचक भी, अगर हम हमारा नेगेटिव सेंटेंस का जो नियम है इसको देखें, जो ये नेगेटिव सेंटेंस का नियम है, इसमें हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का नियम बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने नेगेटिव बनाया था सब्जेक्ट सेल विल प्लस नोट, इसमें हम सिर्फ सेल या विल को आगे ले आते हैं और हमारा सेम जो नियम बन जाता है, और अंत में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, सबसे पहले सेल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, वी वन और अन्य शब्द उसके बाद जो भी बचते हैं, और उसके बाद अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे हम एक वाक्य देखते हैं, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ेगा,
क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ेगा। इसके अंदर नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। इसमें क्या बनाएंगे हम, क्या करना था, सबसे पहले हम सेल या विल में से लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह के साथ क्या लगाते हैं हम, ही के साथ लगता है विल, ही विल यही बनता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य है और साथ में नहीं वाला वाक्य भी है। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेते हैं और इसका जो नियम बनेगा क्या बनेगा, विल ही नोट, विल ही नोट पढ़ेगा, पढ़ना मतलब रीड, विल ही नोट रीड बुक, और अंत में लगा रहे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक ही सेंटेंस है। अब आप यहां पर देखेंगे, आप कब आओगे, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इसके शुरू में क्या, या जैसे हमने ये लगाया था इंटरोगेटिव सेंटेंस का, क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव लगाया था, ये शब्द इसके अंदर नहीं है। क्या यहां पर शब्द आया है, कब, क्यों, कैसे, किसको, किसे, क्या। जब ये शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं तब हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली की हमने एक वीडियो बनाई है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल बताई हुई है। अब यहां पर करते हैं हम, आप कब आओगे, क्वेश्चन मार्क वाला है और डब्ल्यू एच फैमिली से इसमें कब, कब का मतलब होता है वैन। तो हम क्या करेंगे, शुरू में लेंगे हम डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड है वैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, आप मतलब यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं हम, विल, वैन विल यू, और उसके बाद कम और क्वेश्चन मार्क। तो आप यहां पर कोई भी शब्द लगाए, अगर आप क्यों आओगे तो हम लगा देंगे वाई, Why will you come? अगर यहाँ पर पूछे कि आप कैसे आएंगे तो हम लिख देंगे How will you come? तो WH का जो भी वर्ड है वो वाक्य के शुरू के अंदर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। कल हम अगली वीडियो के साथ मिलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।